एवरीवन, तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को काफी सारे मतलब लो परसेंटाइल पर मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं इस तरीके से, काफी और भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं, देन वो भी वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, देन हर एक अपना अपना कॉन्सेप्ट है, अलॉटमेंट कराने के तरीके हैं, और देन मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं जैसे करियर की सर्विसेज है, देन इस मॉडल में तो नहीं है, मैं बोलूंगा कि और भी लोग हैं जो इस तरह से काउंसलिंग सर्विसेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। देखो काउंसलिंग सर्विसेज मैं बोलूंगा कि बहुत मतलब इजी नहीं होता काउंसलिंग करना, मैं बोलूँगा आप बोलोगे कि सर मैं भी चॉइस फिलिंग कर दूंगा अलॉटमेंट आ जाएगी, मैं बोलूंगा कि अलॉटमेंट आ जाएगी आपकी काउंसलिंग में या मेरी काउंसलिंग में, ऐसा कोई जादू नहीं है कि हम कुछ और कर देंगे। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि जिस चीज़ को आप पहली बार कर रहे हो तो उसको हम मतलब हजारों बार कर चुके हैं, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, पिछले 4 to 5 years से हम इसी में, मेरा यही प्रोफेशन है प्रॉपर, तो काउंसलिंग हम लोग परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं। हमारे यहाँ पे जो टीम है, जो काउंसलर है, उनके पास में भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैंने चेंजेस देखे हुए हैं। अगर आप पुराने डेटा पे काफी लोग काउंसलिंग करते हैं तो वो उनके लिए एक बेनिफिशियल नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर वो 2018 के डेटा आप देखोगे, 19 का डेटा देखोगे, तो आपके मैक्सिमम अलॉट मतलब 19 का तो फिर भी टफ था, मतलब 18 का तो मतलब बहुत एक्सटेंड होकर मिला था, 1.5 लाख रैंक तक आपको ओबीसी वाले को NITs वगैरह मतलब मिल जा रहे थे, लोअर NITs मतलब लोअर NITs में लोअर ब्रांच, IIITs में कुछ न्यूली फॉर्म IIITs आई थी 2017 में, तो जो 18 वाला डेटा था वो बहुत एक्सटेंड कर गया था, 17 में भी बहुत सारा एक्सटेंशन मिल गया था, तो उस टाइम पर जेई एक बार हुआ करता था 19 में, पहले CBSE कंडक्ट कराता था ना, अब तो NTA कंडक्ट कराना स्टार्ट किया 2019 से, फिर 19 में ही परसेंटाइल सिस्टम आया था, फिर 2020 में आपका अभी फिर से हुआ, और देन उसमें तो दो बार आपका जेई हुआ था, उनमें से बेस्ट ऑप्शन लिया जा रहा था, और इसके बाद में जैसे कि इस बार जो जेई है वो आपका 4 बार होगा, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन और चीज़ों में चेंजेस बराबर आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग आगे पीछे कुछ होती जा रही है, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं बोलूँगा कि एक काउंसलिंग का, एक एक्सपर्ट काउंसलर के आपको बहुत नीड है। अगर आप अपनी काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने रिसर्च अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी सारा कंटेंट हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि किसी भी एक कैंडिडेट, सिंगल कैंडिडेट की अगर आपको एक बहुत ही परफेक्ट वे में काउंसलिंग करनी है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा डेटा रिसर्च करना पड़ेगा, काफ़ी सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। काउंसलिंग में क्या होता है कि बहुत मैटर करता है कि एक्सटर्नल जो ऑडियंस है वो किस तरह से मूव ऑन हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि काफ़ी आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास में होते हैं, काफ़ी बार सीट्स कैंसिल होती हैं ऊपर वाली, वो वैकेंसी क्रिएट होती है, उसके बाद फिर से स्पॉट राउंड होता है, इस तरह से हम लोगों की एक आइडिया रहता है, एक आकलन होता है, एक्सपेक्टेड डेटा एक रहता है हम लोगों के पास में, कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि हर साल से वो चीज़ें सही होती हुई आ रही हैं, तो देन कहीं ना कहीं हम लोग गारंटीड अलॉटमेंट जो कमिटमेंट कर रहे हैं, जो हमारी टीम कमिटमेंट कर रही है वो एकदम सही कर रही है। तो मैं बोलूँगा अल्टीमेटली कि अगर आप आपको कहीं से भी अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो एक बार जरूर कंसल्ट कर लें, जैसे SNB घरवाल है, GGU बिलासपुर है, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार है, मेजोरम यूनिवर्सिटी है, मतलब CSEB के अंदर काफ़ी सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट ऐसे भी पार्टिसिपेट करते हैं, जोसा के अंदर कुछ ऐसे भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं जिनका मतलब मैं बोलूँगा कि वहाँ पर एडमिशन लेने से बेटर है कि आप UP का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, या UP की आप प्राइवेट कॉलेज ले लो जो ग्रेटर नोएडा में है, टॉप प्राइवेट कॉलेज ले लो, तो वो ज़्यादा एक अच्छा रहेगा, आप अपने आप को वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मतलब काफ़ी सारी लोअर IIITs हैं, वो उतनी बेटर नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एट ऑल। तो अगर आप सर्विसेज लेना चाह रहे हो, हमारी टीम जो अप्रोच कर रही है आप सभी को, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म वगैरह फिल कर रखे हैं, तो आप हमारी टीम जो बोल रही है तो एकदम परफेक्ट वाले ऑप्शंस दे रहे हैं, तो आप उसमें से मेरे से भी डिस्कशन कर सकते हो। और जो लोग ऑफलाइन हमारे सेंटर पर विजिट कर रहे हैं, यार फ्री काउंसलिंग चल रही है, वैसे लाइव काउंसलिंग का तो आपको चार्ज पे करना पड़ता है, तो आप आके मेरे से एक बार विजिट कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा कॉलेज ऑप्शंस दे दिया जाएगा, क्या प्रोसेस है सारा समझा दिया जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, बाय बाय।